आपके कंप्यूटर में सी डी और ई ड्राइव के जो आइकन्स हैं वो डिफ़ॉल्ट ऐसे दिखते हैं, लेकिन अगर आप इनको 3D बनाना चाहते हैं जैसा कि ये मैंने बना रखा है, या फिर कोई भी आप आइकन बदलना चाहते हैं 3D नहीं तो नॉर्मल आइकन बदलना चाहते हैं, तो आपको जाना होगा विंडो के सर्च बार में जाएंगे या लिखेंगे REG और ऊपर रजिस्ट्री एडिटर आ जाएगा, उसको ओपन करेंगे। हाँ, HP लोकल मशीन में जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट सर्च करना है, माइक्रोसॉफ्ट ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज़ ओपन करेंगे, विंडोज़ के अंदर आएगा करंट वर्जन को ओपन करेंगे, इसके अंदर एक्सप्लोरर सर्च करेंगे और उसे ओपन करेंगे, ड्राइव आइकन सर्च करेंगे, ये रहा, और इस पर राइट क्लिक करके इस पर की बनाएंगे, जितनी ड्राइव के आइकन्स बदलने हैं उन सब के नाम की बनाएंगे, जैसे मेरा CD और ई तीन ड्राइव है, सी बना दिया, अब से डी की बनाते हैं, डी फिर ई, ई की बनने के बाद हम तीनों कीज की भी एक एक की बनाएंगे डिफ़ॉल्ट आइकन्स के नाम के, सी पे बना रहे हैं, राइट क्लिक किया, की बनाई, इसका नाम दे दिया डिफ़ॉल्ट आइकन, आपको देखना होगा डी कैपिटल है, तो तीनों ड्राइव की सेम डिफ़ॉल्ट आइकन नाम की बना देंगे। इसके बाद तीनों फोल्डर में आपको डिफ़ॉल्ट नाम की एक फाइल मिलेगी। अब आपको आइकन के लिए एक लोकेशन देनी होगी, जो आपके सबसे बेस्ट तो सी ड्राइव है, मैंने सी ड्राइव में अपनी लोकेशन दी हुई है, मैंने ICO फोल्डर बनाया हुआ है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। इस ICO फोल्डर के अंदर मैंने रखी हुई तीनों फाइलें जो मुझे चेंज करनी है, मैंने समझाने के लिए CD और E नाम दे दिया, इनको आप कोई भी नाम दे सकते हो। आप आइकन फाइल गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो कोई भी। अब शिफ्ट दबाए रख के आइकन फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी एज़ पाथ करेंगे। अब सबसे पहले हम सी ड्राइव का आइकन चेंज करेंगे, उसके लिए सी ड्राइव के डिफ़ॉल्ट आइकन की में जाएंगे, उसके अंदर बनी हुई फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। अब वैल्यू डाटा के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे और डबल कोट को हटा देंगे। अब ओके करेंगे। अब तीनों कीज के अंदर सेम टू सेम करना है। अब आप चाहो तो दोबारा से हर आइकन फाइल का पाथ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, या इसी पाथ में सिर्फ नाम चेंज कर दो आइकन फाइल का, क्योंकि लोकेशन सेम है। नाउ डन। अब आप माई कंप्यूटर ओपन करें और वहाँ जाकर राइट क्लिक में एक बार रिफ्रेश कर लें, यह हो गया। Okay.